अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट वर्ड्स। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर सपोज आपको लैंग्वेज के बारे में हर एक चीज़ आती है, आपको टेंसेज आते हैं, हर एक चीज़ आपको आ रही है, बट अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे किसी भी चीज़ को, चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश हो, उर्दू हो, सिंधी हो, कोई भी लैंग्वेज हो। आपके पास कॉन्सेप्ट सारा है बट आपके पास वर्ड्स नहीं है, तो बिना लफ्जों के हम कोई भी चीज अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर सपोज अगर आपको किसी को कहना है कि मुझे पानी ला के दें, अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है इसके बारे में तो आप कैसे बोलेंगे कि आप मुझे पानी ला के दें। इसी वजह से आज हम रूट वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी रूट वर्ड का मतलब है एक ही वर्ड में से काफ़ी सारे वर्ड्स निकलेंगे, तो हम उस वर्ड को डिस्कस करेंगे ताकि एक वर्ड में से ही हमें काफ़ी वर्ड जो है मेमोराइज हो जाएं, याद हो जाएं। क्योंकि हमारे लिए मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम से पूरी डिक्शनरी को पानी की तरह पी जाएं। सो इसी वजह से हम रूट वर्ड्स को अगर हम याद कर लेंगे ना, तो हमें उससे रिलेटेड दूसरे वर्ड जो हैं हम इजीली याद कर सकते हैं। आज हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला रूट वर्ड जो है वो है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी खौफ, किसी चीज़ से खौफ आना। तो इस साइड में लिखे हुए वर्ड्स लाइक हाइड्रोफोबिया, फायरोफोबिया, ईटीसी, ये आप देख सकते हैं उसकी साइड लिखा हुआ है वो किस चीज़ का खौफ होता है। तो अब इन्हें मेमोराइज कैसे करना है वो हम देखते हैं। अब देखें, हाइड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वाटर, पानी से खौफ। हाइड्रा कहते हैं पानी को, सो हाइड्रोफोबिया यानी पानी से खौफ, फियर ऑफ वाटर। उसके बाद है फायरोफोबिया। अब फायरो से ही क्लियर है, यानी फायर, आग, यानी आग से खौफ। उसके बाद है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, यानी ऊंचाई से खौफ, ऊंचाई से डर। उसके बाद है ऑटोफोबिया यानी फियर ऑफ लिविंग अलोन। फॉर सपोज आपके पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं और आप उन्हें कहेंगे मुझे अकेला छोड़ के मत जाए, मुझे ऑटोफोबिया है, यानी मुझे अकेले रहने से खौफ लगता है, अकेले रहने से डर लगता है। उसके बाद है जू फोबिया। अब जू नेम से ही क्लियर है कि चिड़ियाघर, जानवर वगैरह से रिलेटेड, सो जू फोबिया मतलब फियर ऑफ एनिमल्स। अब इसके बाद है एंड्रोफोबिया। अब यहाँ पे देखें, जो एंड्रो या एंड्री ये वर्ड अगर कहीं भी आ रहा है, इट मीन्स वो मर्दों से रिलेटेड है, बॉयज से रिलेटेड है। सो एंड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैन, मर्दों से खौफ। उसके बाद है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ लाइटनिंग और थंडर। उसके बाद है बाइब्लोफोबिया। अब बाइब्लो से क्लियर है बुक्स, सो फियर ऑफ बुक्स। आप किसी को तंजिया भी जिस तरह कह देते हैं ना कि आप किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ क्यों नहीं रहे, आपको क्या बाइब्लोफोबिया है, यानी आपको क्या किताबों से खौफ आता है, या अक्सर लोग जो हैं इसे तंजिया लहजे में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है गायनोफोबिया। अब गायनो जो वर्ड है ये वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है, गायनो या गायनी, ये वुमेन के लिए। जैसे औरतों से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है तो वो कहाँ जाती हैं लेडीज़, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। सो गायनोकोलॉजिस्ट और गायनोफोबिया, इसके स्टार्ट के वर्ड से आप याद कर लें कि ये फियर ऑफ वुमेन यानी औरतों से खौफ आना। सो कहीं भी गायनो वर्ड आए या गायनी वर्ड आए, इट मीन्स वो रिलेटेड टू वुमेन है। उसके बाद है गैमेटोफोबिया। अब गेमी जो वर्ड है ये रिलेटेड टू मैरिज है, कहीं भी गेमी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो मैरिज से रिलेटेड है। तो गैमेटोफोबिया जो है ये फियर ऑफ मैरिज यानी शादी से खौफ। उसके बाद हम आ जाते हैं थीज। अब थीज क्या है, कहा जाता है वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा इंसान जो कि खुदा की मौजूदगी पे यकीन रखे, उसे थीस्ट कहते हैं। अब इसमें भी हमारे पास वोकैबुलरी आती है, जैसे मोनोथीस्ट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। मोनोथीस्ट वो होते हैं जैसे मुस्लिम्स हु बिलीव्स इन वन गॉड, यानी जो एक खुदा पे यकीन रखें वो मोनोथीस्ट हैं, जैसे कि हम मुसलमान। उसके बाद है पॉलीथीस्ट यानी हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखें, जैसे नॉन मुस्लिम में होता है, उनके काफी ज्यादा यानी डिवाइड हुए हुए होते हैं खुदा, तो मतलब तो ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है जो कि खुदा की मौजूदगी पे यकीन ही ना रखे। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ नोट करें तो मैंने मोनोथीस्ट के एंड में वन गॉड लिखा है, जबकि पॉलीथीस्ट के एंड में मैनी गॉड्स लिखा है, बट आप मोनोथीस्ट के एंड में देखें गॉड का स्टार्ट का जी बड़ा है, जबकि पॉलीथीस्ट के गॉड का जी छोटा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये, अगर मुस्लिम गॉड की कहीं पर भी बात होगी तो वहाँ पर जी कैपिटल होगा, अगर नॉन मुस्लिम गॉड की कहीं पर बात होगी तो वहाँ पर जी स्मॉल होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि रूट वर्ड से रिलेटेड था। एक ही वर्ड से कनेक्टेड हमने काफी टेंटर्स वर्ड्स सीखे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।